हरियाणा सरकार लगातार कोशिश में लगी है कि कोरोना से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जो कि सरकार के इन प्रयासों को पलीता लगा रहे हैं। बल्लभगढ़ के मेन बाजार में स्थित आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। अभी देखिए, स्कूल में छठी क्लास से लेकर नौवीं क्लास तक के बच्चों को भी स्कूल में बुला रखा था, छठी से नौवीं तक को, जो अभी विभाग की तरफ से अलाउ नहीं किया गया। यह सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी था, हालांकि अब शिक्षा विभाग की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने 10वीं से लेकर 12वीं की कक्षा को खोलने के आदेश जारी किए हैं। इसके अंदर भी कोरोना की एक वैक्सीन लगनी अनिवार्य है, यानी फर्स्ट डोज आपको लग गई है तभी स्कूल में एंट्री है। लेकिन लापरवाह स्कूल प्रबंधक छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाकर कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को उनके लिए एक दावत के तौर पर बुला रहे हैं। अगर ऐसे में कोई बच्चा संक्रमित होता है या फिर से स्कूलों में कोरोना बॉम्ब फूटता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, यह बड़ा सवाल है। आदर्श स्कूल में छुट्टी क्यों कर दी आप लोगों की? वो चेकिंग वाले आए थे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवंथ। स्कूल खुलने का आदेश जो है वो 10वीं और 12वीं तक के, लेकिन सेवंथ क्लास बुलाए, कब से आ रहे हो आप लोग? दो दिन से आ रहे हैं। दो दिन से आ रहे हो? क्या सर्टिफिकेट भी चेक करा गया कोई आप लोगों का? नहीं। तो छठी से नौवीं क्लास तक के बच्चों को बुलाया गया, ये एक दिन की कहानी नहीं है, यह सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी था। हैरानी होती है अभिभावकों के लिए भी कि वो ऐसे वक्त में भेज रहे हैं जब विभाग ने एक सही कारण की वजह से स्कूलों को बंद किया और धीरे धीरे स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन अभिभावकों ने भी भेजा और स्कूलों ने बुलाया है बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए। पिछले कई दिनों से छठी से लेकर नौवीं कक्षा के ये बच्चे स्कूल जा रहे थे, अब जब मामला सामने आया है तो विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं।